व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम था बाजार में, और वहाँ पर चलते हैं और आपको बाजार दिखाते हैं। और साथ में मैं जहाँ से जाने वाला हूँ ना, वहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सी, अमेजिंग भी नहीं कह सकते आप उसको, कह सकते हैं चीज दिखाने वाली है। आपको दिखाऊंगा ना, तभी आप समझो कि यार ये चीज दिखाने वाली है। उसको पहले हम उसका कुछ नहीं बता सकते, तो अभी हम चलते हैं। और एक चीज और है जो मैंने अभी आज सुबह सुबह की थी, थोड़ा हमारे पास ही गुरुद्वारा साहिब है, पास के ही जगह पर, तो मैं वहां पर गया और मैंने एक चीज वहां पर करी, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी राइटिंग है ना, हैंड राइटिंग कैसी है, तो वो मैं आपको उस जगह पर जाकर दिखाऊंगा कि मेरी जो हैंड राइटिंग कैसी है। मैंने आज कुछ अमेजिंग और स्पेशल किया, मेरे लिए भी वो एक नई चीज ही थी क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं किया था। तो आज काफी टाइम बाद मेरे को हुआ कि यार मेरे को बो मैंने उनको बोला कि यार मेरे को करें दो। वो करते थे खुद आप, तो मैंने उनको बोला कि यार जी मेरे को करें दो। वो जो भी है मैं आपको वहां पर ले जाके दिखाता हूँ कि क्या वो क्या चीज है। ये मैंने लिखी थी, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसी है। ये थोड़ा ना पंजाबी में लिखी हुई है क्योंकि ये पीछे से ना थोड़ी सी कट के आ रही है। अगर मैं फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगा आपको तो अच्छी दिखेगी, तो ये बताना कैसे लगा आपको। तो दोस्तों मेरे को ना थोड़ा सा लड़के की दुकान है यहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा काम था, तो मैंने सोचा पहले उस दुकान पर चलते हैं, दुकान पर चलते हैं और फिर थोड़ा सा वहाँ पर काम है, उसके बाद में फिर अपने बाजार चलेंगे। और वो जो चीज़ है मैं आपको बाजार के पास में पड़ जाता है जैसे, तो वो बाजार के अंदर नहीं, थोड़ी सी आगे है, तो वह मैं वहाँ पर जा करके आपको दिखाता हूँ क्या सीन है वहाँ का। तो अभी थोड़ा सा क्या है ना यार, सुबह उठते हैं ना जब, तभी तो इतनी फुल ठंड होती है, और जैसे ही 10 11 12 बजते हैं ना फुल धूप हो जाती है। और अगर कोई भी बंदा धूप के अंदर आके निकलता है ना, खड़ा होता है, तो एकदम पूरा शरीर गर्म हो जाता है। तो आप समझ नहीं सकते हो कि अगर आप पैदल चल रहे हो ना, तो आपको जो जो भी अपने गर्मी गर्म कपड़े पहन रखे उतारने पड़ते हैं। तो मैं अभी बाइक पर आया हूँ, पहले मेरी जो मन में था कि यार अपने ना पैदल ही चलेंगे, है तो पास में ही, पर मैंने सोचा फिर देखा, मैंने कहा यार अगर आपको ठंड लगनी, क्योंकि इसमें क्या है ना, वैसे गर्मी हो चुकी है और आप पैदल चलोगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो इसलिए मैंने सोचा यार अपने बाइक पर ही चलते हैं। अभी मैं बाइक पर हूँ और मामा जी की दुकान आने वाली है, वहाँ पर पहुँच करके और फिर उसके बाद में चलते हैं बाज़ार और दिखाते हैं आपको बाज़ार का माहौल कैसा है। तो मैं अभी यहाँ पर आया था, तो मैंने देखा कि दुकान अभी खुली नहीं है, थोड़ा सा लेट आएगा, तो मैंने उसको फ़ोन तो किया था, पर वो रास्ते में ही होगा या उसको थोड़ा कोई काम होगा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, तो आने वाला होगा। पहले मैंने सोचा कि अपने जो बाज़ार का काम है वो करा लेते हैं। तो अभी हम जो अनूपगढ़ का मेन रोड है उस पर चढ़ चुके हैं और आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको क्या होने वाला है। और देख सकते हो काफ़ी इस रोड पर काफ़ी साइकिल वगैरह चलते रहते हैं, आप देख सकते हो कि अभी तो सुबह सुबह है ना, थोड़ा सा और दोपहर होगी ना बहुत तो ज़्यादा साफ चल जाएंगे, काफ़ी साइकिल चलते रहते हैं, सड़क बहुत ज़्यादा बिजी रहती है ये। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूँ उस जगह पर, मैं आपको दिखाने वाला था जो ना यहाँ पर अनूपगढ़ के शहर के अंदर चुराया है ना, जहाँ से पीछे साधन आते हैं इधर रैसा नगर से और गड़साना की ओर जाते हैं, वहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ा फ्लाई ओवर बनाया हुआ है और उसके ऊपर से व्हीकल वगैरह चलते रहते हैं। तो उसका क्या हुआ ना, अभी अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अभी कंप्लीट होया सा हुआ था, तो क्या हुआ ना इसका जो थोड़ी सी
इसको बनाने वालों ने थोड़ा इसके में घपला कर दिया या कुछ, अपने को तो कुछ पता नहीं है। तो क्या है ना, अभी अभी ये चालू हुआ था, मैंने सोचा कि आप दिखा दूं। जो ये देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा है। वहाँ से उधर से आते हैं व्हीकल वगैरह, उधर से और यहाँ से इधर से गुजरते हैं, यहाँ से देख सकते हो ऊपर उधर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा था और पता नहीं क्या हुआ इसको, और कुछ ही टाइम हुआ है अभी कंप्लीट हुए, और कुछ टाइम ही हुआ है अभी, कुछ महीनों की बात होगी। ये देखो यहाँ से फ्रेडे खा गया और नीचे इसके दरारे आ गई, और इसको क्या है बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने, आप देख सकते हो वहाँ पर, मैं जाकर दिखाऊंगा आपको, तो इसको बंद कर दिया। अब पता नहीं क्या हुआ भी, जिस ठेकेदार ने इसको बनाया उसने इसको बनाने में कमी छोड़ दी, या इसके जो नीचे जगह है, धरती है, वो कच्ची है, उसकी वजह से वो जो मिट्टी है नीचे खिसक गई और इसके अंदर दरारें आ गई, और पता नहीं क्यों क्या है। जो भी है वो आपके सामने है। अब इसका जो कुछ टाइम पहले से इसका जो रिपेयर है वो कर रहे थे, इसको रिपेयर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रिपेयर किया हुआ, रिपेयर कर रहे थे। अभी पता नहीं क्या हुआ, अभी कंप्लीट अभी हो चुका है, अभी चालू नहीं किया उन्होंने। शायद तक उनके मन में होगा कि यार ये कहीं अपने चालू करें और व्हीकल वगैरह, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, बड़े बड़े ट्रक वगैरह भी गुजरते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत काफ़ी वजन हो जाता है, वजन होने की वजह से ये नीचे धस गया। हालांकि इतना नहीं धसा कि ये नीचे गिर गया हो, देख सकते हो मैं इसके ऊपर फिर रहा हूँ, और ये जो है ये नीचे शहर का माहौल है, देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी ऊपर है। तो वहाँ से उधर से आते हैं साधन वगैरह, वहाँ से उधर वहाँ पर आके इन्होंने पट्टी लगा दी है, और जिससे कि कोई भी साधन इधर नहीं आता। जो साथ में है ना, ये देख सकते हो साथ में सड़क, ये वाली सड़क है ना, ये वाली इससे आते हैं, और इधर से जा करके और इधर से निकल के आगे फिर है टनल बनाया, छोटा शॉर्टकट टनल, वो देख सकते हो वहाँ से ट्रक जा रहा है, उससे इधर से आते हैं और इधर से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जो व्हीकल वगैरह भी है उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो व्हीकल स्पीड से आ रहा है पीछे, उसको रोकना पड़ता, धीरे करना पड़ता, फिर इसके नीचे से गुजार के फिर काफ़ी हो जाता प्रोसेसिंग। चलो ठीक है, बाकी ये अभी इसको रिपेयर कर रहे हैं, शायद तक कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के बाद ये रिपेयर हो जाएगा। और मैं ये दिखाना चाहता था कि यार अभी भी देखो, अभी भी ऐसा कुछ होता है कि यार इतना, मतलब इसमें पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का लगा होगा पैसा वगैरह, और इसमें कितना कंक्रीट वगैरह कितना लगा है, तभी भी ये देखो इतनी मजबूत होने के बाद में भी, ये देख सकते हो यहाँ पर ये दरार आई हुई है, और ये बैरिकेड है ना, इस बैरिकेड के पास देख सकते हो आप लोग ये दरार आई हुई, और ये सभी जगह जहाँ पर इसका जो पॉइंट है ना, बेस है, वहाँ पर सभी जगह पर ये दरारें आ चुकी है। इसकी वजह से लोग क्या है, फिर उन्होंने बंद कर दिया, अब यहाँ पर कोई भी साधन वगैरह तो नहीं गुजरता। अब मेरे को विश्वास है कि कुछ टाइम के बाद में इसको रिपेयर करके ये फिर से चालू कर देंगे। आप देख सकते हो ये जब बना था ना, तब यहाँ से ये आप फर्क देखते हो इसके अंदर कितना ये साथ में जुड़ा हुआ था, अब इतनी दरार आने की वजह से नीचे धस गया और दरारें आ गई। अब ये देख सकते हो आप, ये दरार जा रही वहाँ पर सीधी वहाँ तक। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई ना, क्योंकि जो थल्ले नीचे धरती थी वो धस गई नीचे, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। अब मैंने बाइक है ना जब वहाँ पर खड़ी करी है, क्योंकि ये बंद कर रखा है ना उन्होंने, तो मैं आपको वहाँ पर जाके दिखाता हूँ क्या माहौल है। आप देख सकते हो सभी जगह दरारें आ चुकी हैं। चलो इसको देखते हैं, जब भी चालू करेंगे उसके बाद में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली, क्योंकि हम कभी भी इधर से राम सिंह पर से अनूपगढ़ जाते हैं, या इधर अनूपगढ़ से रैसनगर वगैरह जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप अगर 1-2 किलोमीटर तो यहीं बाइक चल जाती है। तो ठीक है, अभी इसको सही करने लगे हुए हैं और कुछ टाइम के बाद में सही कर देंगे, तो मैं वहाँ पर जा करके दिखाता हूँ आपको। वो वहाँ पर ये वो देखो पट्टी लगा रखी उन्होंने, बंद कर रखा है, तो वहाँ पर दिखाता हूँ मैं क्या माहौल है। यहाँ पर धूप इतनी है कि क्या ही बताएं, गर्मी फुल हो रखी है, मेरे को लगता है ये उतारना पड़ेगा मेरे को। ये देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने ड्रम वगैरह लगा रखे हैं उधर तक, और वो व्हीकल वगैरह उधर से आते हैं, और
इधर से चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बंद कर दिया ना, तो फिर उधर से आया एक रास्ता, वहाँ से व्हीकल वगैरह आते हैं और इधर से चले जाते हैं। ये सीधी उधर जा रही है, ये वाली चालू है और ये वाली बंद की हुई है, क्योंकि यहाँ पर ड्रम वगैरह लगा करके इन्होंने सील कर रखा है, तो क्या है भी इससे कोई और दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए इन्होंने बंद कर रखा है इसको। तो क्या हुआ ना, मेरे को यार घर से फोन आ गया और मेरे को जाना था बाजार में, तो ज़रूरी काम था इसलिए मेरे को घर पर आना पड़ा, तो फिर मेरे को कैंसिल करना पड़ा बाजार का। वो थोड़ा सा छोटा सा काम था, पर मैंने सोचा बाद में कर लेंगे, पहले वो घर पर जरूरी था थोड़ा सा काम, इसलिए मैंने फिर जल्दी से घर पर आने की कोशिश की, क्योंकि मैंने कहा यार काम बाजार वाले तो बाद में भी होते रहेंगे, पर जो घर का काम था वो जरूरी था इसलिए मेरे को आना पड़ा। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें।